हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बोए कुलवीर में। आज का वीडियो एचएसएससी सीईटी के जो लगातार हम आपको पिछले पेपर भी करवा चुके हैं और आज करवा रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो पिछले पेपर में आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करना चाहते हैं कुल बोए कुलवीर के नाम से यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय आपका खराब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यूनिफॉर्म, एक मिनट रुकिए, अब चलते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है। तो कौन सा सही है वो आपने इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक अद्वितीय एड्रेस अथवा पथ है, ठीक है। यूआरएल होता है ये, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गूगल बिंग याहू इनमें से किसके उदाहरण है। तो बात करें, आपको पता होगा ये, तो ये जो है सारे के क्या है, सर्च इंजन है दोस्तों। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डेटाबेस में डाटा स्टिक प्रोटीन तथा विश्वसनीय है। तो कौन करता है, ये करता है आपका डेटाबेस कंस्ट्रेंट, ठीक है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, सही के हिसाब से आपने बताना है। पहले होता है कि इसमें एग्जाबाइट, फिर पीटाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर गीगाबाइट। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। एचएसएससी लगभग इन्हीं क्वेश्चन में से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आता है। तो इन वीडियो को जरूर देखें, लगभग हम आपको 700 के करीब कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प, एक क्वेश्चन हो रहा है, निम्न में से आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सूचना भरने के उपकरणों की सूची है। कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कीबोर्ड माउस और जॉयस्टिक, ठीक है। उसके बाद एक वस्तु पर लिखे बारकोड को किस हैंडहेल्ड द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो यह पढ़ा जा सकता है आपको ऑप्टिकल स्कैनर के द्वारा। जो बारकोड रीडर होता है वो कौन सा होता है, स्कैनर ही होता है आपका, ठीक है। एक तो आपने ऐसे ऐसे करके देखे होंगे जो निशान होते हैं बारकोड, ठीक है। एक ऐसा स्कैनर बना होता है, इसके अंदर ऐसे होते हैं, ठीक है, स्कैनर होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। तो उसको बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे पीछे एग्जाम जो दिए हैं आपने सीईटी के, वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो इन वीडियो को अच्छे से कर लेना, आपके जो सारे क्वेश्चन हैं, जो डाउट हैं कंप्यूटर के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो वो होती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी, कौन से ऑप्शन में, थर्ड में, सी ऑप्शन, सॉरी प्राइमरी होती है सेकेंडरी। इन्होंने कहा था कि सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है, तो प्राइमरी है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद प्राथमिक अस्थिर मेमोरी एक क्या होती है, तो क्या होती है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ए, रीड ओनली, ठीक है। पहली जो हमने बताया था ROM, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आप उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जिसमें हर एक मोड अपने दोनों तरफ एक एक उपकरण से जुड़ा होता है। तो एक एक उपकरण से जो जुड़ा होता है उसको बोलेंगे दोस्तों रिंग टोपोलॉजी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के साधारण प्रतिमान में 4 यूनिट होते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प उस प्रतिमान का बेहतरीन वर्णन करता है? तो ये करेगा आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा वक्तव्य एरे के संबंध में सही है? एरे, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है सारे पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एरे का हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स निरंतर स्थान पर स्थिर होते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य पता निकालता है? इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहां भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्विच। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के काम आते हैं, यानी कि जो आउटपुट है? तो देखिए एलईडी है, डिस्प्ले, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, सारे के सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। HTTPS, यहाँ पे देखिए इसका जो परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? HTTP का तो आपको पता होगा ही, काफी बार सुना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद S से क्या होगा? S से हो जाएगा ये आपका सिक्योर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव तथा रूपांतरण के लिए उपयोग होता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? सिस्टम यूटिलिटीज, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध कराती हैं, क्योंकि क्यों कराती हैं? क्या होता है उसमें? ये उपयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लीजिए, नेटवर्क के एकल सदस्य के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है, ठीक है। उसके बाद एक कंपाइलर का अर्थ क्या है? कंपाइलर की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा एक प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को वस्तु प्रोग्राम में अनुवादित करता है। कंप्यूटर एवं संचार तकनीकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB जो है वो किसके समान होता है? तो 1024 KB के। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड, सी ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद एक स्क्रीन पर कितने कलर डॉट्स एक कलर पिक्सल बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपके 3 दोस्तों, ठीक है। रिसाइकल बिन क्या होता है? कंप्यूटर में आपने देखा होगा, रिसाइकल बिन होता है हटाई गई फाइलों के लिए एक अस्थायी भंडारण, ठीक है। अगर उसमें से हम डिलीट कर देते हैं तो कोई भी वस्तु या फाइल जो भी है वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। उसके बाद एमएस एक्सेल में एक कॉलम को हटाने के लिए की को निरंतर दबाना चाहिए, कौन सी की को निरंतर दबाना चाहिए दोस्तों? तो ये दबाना चाहिए आपका शिफ्ट को, ठीक है। शिफ्ट को अगर दबाएंगे चेंजमेंट होती रहेगी। जब कीबोर्ड पर एक की को दबाया जाता है तो की स्ट्रोकों को संबंधित बिट्स में बदलने के लिए कौन सा मानक व्यवहार किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ASCII। इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है कमेंट करके, ASCII की क्या फुल फॉर्म होती है। कीबोर्ड की पहली कतार में बाएं से दाएं ओर की का क्रम क्या होता है? बाएं से दाएं पूछा इन्होंने, तो क्या होता है? QWERTY, क्वेरिटी, जिसको हम बोलते हैं क्वेरिटी कीबोर्ड, ठीक है। तो क्वेरिटी यही होता है। निम्न में से वह इनपुट डिवाइस है जो एक कंप्यूटर प्रणाली में स्रोतों दस्तावेजों सीधा डेटा एंट्री को संभव बनाते हैं, तो ये होते हैं कौन से? डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद जब एक उपभोक्ता कंप्यूटर प्रणाली में एक अकाउंट खोलता है तो निम्न में से किसकी उत्पत्ति होती है? तो ये हो जाएगी सब डायरेक्टरी की, ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन प्रथम न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है? तो ये हो जाएगा आपका स्नार्क, SNARC, ठीक है। निम्न में से कौन सी इकाई उपभोक्ता से प्राप्त आंकड़ों को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा आपकी इनपुट यूनिट बी। ऊर्जा को लैन से दूसरे लैन से संचालित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रिज, ठीक है, ब्रिज। एक्सेल में आप पेज बॉर्डर किस तरह सेट कर सकते हैं? पेज बॉर्डर की अगर बात करें तो
तो ये कैसे सेट करेंगे दोस्तों, एक्सेल में आप पेज बॉर्डर सेट नहीं कर सकते, ठीक है, कर ही नहीं सकते हम एक्सेल में। उसके बाद पेस्ट स्पेशल डाटा लॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा SQRT, ठीक है, डी ऑप्शन। किसी फाइल को प्रारंभ से खोजने के बजाय जानकारी इकट्ठा करने को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। उसके बाद है एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कौन सी की शॉर्टकट की है, तो ये होती है Ctrl+Space बार। कंप्यूटर के कार्यों का संचालन करने तो निम्न में से किसको डिजाइन किया जाता है, किसको डिजाइन किया जाता है, ये कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। निम्न में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है, सर्वर तक पहुंचने वाला जो है इसमें से वेब क्लाइंट है दोस्तों। उसके बाद Ctrl+Page up का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, कर्सर को एक पेज ऊपर करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल के साथ पेज अप दबाएंगे तो कर्सर कहां जाएगी, एक पेज ऊपर जाएगी। एक्सेल के जिस वर्कशीट में आप आंकड़े भरते हैं उसकी मूल इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल, ठीक है, सेल होती है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो प्रिंटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आप क्या चुनते हैं, तो उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए डिजाइन का उपयोग करके जिसमें एक स्लाइड शामिल है एक नई प्रस्तुति प्रदर्शित होती है, तो किसमें से सिलेक्ट करते हैं, ये करते हैं डिजाइन टेम्पलेट में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं को एक ही नेटवर्क पर समान डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम करने की अनुमति देता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। उसके बाद है WWW वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, ये जानते हैं वेब पेज, डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में प्रत्येक वर्कबुक में वर्कशीट होते हैं जिसे शॉर्ट टैब द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, कितने वर्कशीट होते हैं, ये होते हैं आपके तीन दोस्तों, कितने, तीन। ईमेल क्या है, ईमेल काफी इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, कौन सा है ऑप्शन, सी ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग। उसके बाद एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्ट की, प्रिंट प्रीव्यू अगर आपने देखना है तो कौन सी शॉर्ट की का उपयोग करेंगे आप इनमें से, तो हम करेंगे फर्स्ट ऑप्शन Ctrl+Alt+I का, ठीक है। उसके बाद एक प्रचालन तंत्र का प्रकार क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए कंप्यूटर संसाधनों का कुशलतम प्रबंधन, निष्पादन के लिए कार्यों के अनुसूचन की देखभाल, डेटा के फ्लो और निर्देशों का प्रबंधन, सह सभी, तो सभी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके लिए एमएस एक्सेल के फॉर्मूला पैलेट का उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, प्रकार्य वाले फॉर्मूलाओं का निर्माण और संपादन, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का मूल घटक नहीं है, कौन सा नहीं है, खेल सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।